हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिसियस कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस कोलकाता। मैं शेफ लिसिया, आज मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही यूनिक रेसिपी और बहुत ही झटपट से ये बन जाता है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको ये बहुत ही फेवरेट है। आज मैं आपको दिखाऊंगी एगलेस कुकी बार ब्राउनी। वैसे तो मेरे पास ब्राउनी का एक अलग से कोर्स है ऑनलाइन में, जिसमें आप 19 टाइप्स आपका एगलेस ब्राउनी सीख सकते हो एकदम कमर्शियल लेवल पे, लेकिन ये जो कुकी बार ब्राउनी आपको दिखाऊंगी ना, बहुत ही झटपट से बन जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने ग्राइंडर जार ले लिया है और इसके अंदर में मैं बैक टू बैक सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डालती जाऊंगी। तो पहले मैं इसमें डाल दूंगी 67 ग्राम शुगर, 15 ग्राम कोको पाउडर, मैंने डार्क कोको पाउडर ले लिया है, आप चाहो तो लाइट कलर का कोको पाउडर भी डाल सकते हो। जिसको ज्यादा चॉकलेटी पसंद है वो ऐसे डार्क चॉकलेट कोको पाउडर आप डाल सकते हो, ठीक है। मैदा जाएगा 120 ग्राम, बेकिंग सोडा लगेगा हाफ टी स्पून। तो देखिए ऐसे उठा के ना हाफ टी स्पून ऐसे आपको मेजर करना पड़ेगा, फिंगर से ऐसे आपको लेबल करना है, ऐसे देखिए फिंगर से ऑलवेज ऐसे करके लेबल करके आपको लेना पड़ेगा। तो ये है बेकिंग सोडा, जिसको मीठा सोडा बोलते हैं, ये लगेगा हाफ टी स्पून, ओके। तो इसको भी मैं ग्राइंडर जार में डाल देती हूँ और जाएगा 1/4 टी स्पून बेकिंग पाउडर, ओके 1/4 टी स्पून बेकिंग पाउडर। आपको जो भी मेजर करके लेना है ना, ऐसे फिंगर से इसको लेबल करके ले लीजिए, ऐसे देखिए ऐसे, ओके 1/4 टी स्पून मैं इसमें डाल दूंगी बेकिंग पाउडर। अब ये सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मैं ग्राइंड कर लूंगी, तो ये अच्छे से मिक्सिंग भी हो जाएगा। एकदम फुल स्पीड में इसको ग्राइंड करना पड़ेगा। तो देखिए ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अच्छे से ये पाउडर फॉर्म में ग्राइंड हो चुका है। और अब मैंने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर में मैं डाल दूंगी बटर मेल्टेड, ये जाएगा 85 ग्राम मेल्टेड बटर। आप सॉल्टेड या तो अनसॉल्टेड कुछ भी डाल सकते हो। अब इस बटर के साथ मैं ऐड करूंगी वेनिला एसेंस, वेनिला एसेंस जाएगा हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून वेनिला एसेंस, आप चाहो तो इसमें चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हो। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ओके। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके साथ ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है ना, इसको मैं मिक्स कर दूंगी। अब इसको ऐसे स्पैचुला से मिक्स कर लीजिए।
अगर आपको कमर्शियल लेवल का ब्राउनी सीखना है एक ग्लेस विथ लाइफ टाइम वीडियो एक्सेस के साथ, तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8240605592। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है। 24x7 मेरा हेल्पलाइन नंबर ओपन रहता है, तो आप वर्ल्ड में कहीं से भी कभी भी हमारा कोई भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो विथ लाइफ टाइम वीडियो एक्सेस के साथ। ठीक है, तो मैंने इसको देखिए मिक्स कर लिया है अच्छे से, लेकिन अभी ये बहुत ही ड्राई है, तो इसके अंदर में लिक्विड चीज ऐड करना है। तो मैं इसमें डाल दूंगी पहले 4 टेबलस्पून मिल्क। ये मिल्क रूम टेम्परेचर का है, तो आपको ऑलवेज रूम टेम्परेचर का ही मिल्क लेना पड़ेगा। तो इसमें मैं डाल दूंगी 4 टेबलस्पून मिल्क, 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून, 3 एंड 4 टेबलस्पून। ओके, बाद में अगर लगेगा तो मैं बाद में ऐड करूंगी, पहले आपको 4 टेबलस्पून मिल्क इसमें ऐड करना है। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और नहीं लगेगा इसका कंसिस्टेंसी। मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे गाढ़ा कंसिस्टेंसी होगा इसका, ये देखिए। बस इसको कट एंड फोल्ड मेथड से आपको ऐसे करके मिक्स करना है। इसको कट एंड फोल्ड मेथड बोलते हैं। ऐसे चारों साइड से घुमा के बीच में आके इसको कट करना है। देखिए कैसे कर रही हूँ, ऐसे प्रोसेस से ना बहुत अच्छे से मिक्सिंग होता है। और ये कुकी बार ब्राउनी बनाने के लिए आपको कोई भी हैंड व्हिस्कर या तो इलेक्ट्रिक बीटर किसी का भी जरूरत नहीं है, ऐसे स्पैचुला से ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो देखिए ऐसे ना चारों साइड से घुमा के मिडिल की तरफ ऐसे लेके आइए, इसको कट एंड फोल्ड मेथड बोलते हैं। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। ओके, और इसमें मिल्क नहीं लगेगा, 4 टेबलस्पून मिल्क इनफ है। फाइनल इसका कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसा थिकनेस होगा बैटर का। ओके, अब मैं 6 इंचेस का मोल्ड में इसको डालूंगी, तो पहले मोल्ड को रेडी करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने ये 6 इंचेस का स्क्वायर मोल्ड ले लिया है, नीचे का जो डायमीटर है ना ये 6 इंचेस का है। मेरा जितना सा बैटर है उसके लिए 6 इंचेस का मोल्ड लगेगा। ओके, अगर इसको आप डबल क्वांटिटी में बनाओगे तो हर एक इंग्रेडिएंट्स डबल होता जाएगा, तब आपको लगेगा 8 इंचेस का डायमीटर का स्क्वायर टिन। ओके, और इसके नीचे में मैं बटर पेपर लगा लिया है। देखिए बटर पेपर नीचे में लगाना मैंडेटरी है। तो अब मैं इसके अंदर में डाल दूंगी ये बैटर, लेकिन उससे पहले ना इसके अंदर में मैं डाल दूंगी चॉप्ड किया हुआ डार्क चॉकलेट। अब कोई भी कंपनी का डार्क चॉकलेट लेके ऐसे चंक्स में चॉप कर लीजिए, स्मॉल स्मॉल पीसेस में। ओके, तो हाफ पोर्शन में मैं डाल दूंगी, मैंने 1 कप जितना डाल लिया है। तो हाफ कप जितना पहले मैं इसमें डाल देती हूँ, डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप चाहो तो चोको चिप्स भी डाल सकते हो, लेकिन ये डार्क चॉकलेट का चंक्स कट करके डालने से ना टेस्ट अच्छा आता है। ओके, अब मैं टिन के अंदर में ये बैटर डाल देती हूँ। बैटर डालने के बाद इसको अच्छे से कॉर्नर टू कॉर्नर स्प्रेड कर दीजिए।
ऐसे अच्छे से इसको स्प्रेड कर दीजिए। देख रहे हो आप, अब मैं इसको टैप करूंगी। ओके, टैप करने से ना ये थोड़ा सा इवन हो जाएगा। और अब मैं इसको 180 डिग्री प्रीहीटेड ओवन में बेक करूंगी 20 से 25 मिनट्स तक। 180 डिग्री ही लगेगा प्रीहीट करने के लिए एंड बेकिंग के लिए, लेकिन कितना टाइम लगेगा ये मशीन टू मशीन डिफर करता है। किसी का मशीन में कम टाइम लगता है, किसी का मशीन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। तो आप एक बार चेक कर लेना आपका मशीन में कितना टाइम लग रहा है। मेरा मशीन में 20 मिनट्स के अंदर में ये हो जाता है। ओके, तो देखिए मैंने टिन के अंदर में अच्छे से इसको स्प्रेड कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर में चॉको चिप्स डालूंगी, या तो आप इसको ये चॉकलेट चंक्स जो है ना हाफ कप जिसको मैंने रख दिया था उसको मैं डाल दूंगी ऊपर में। ओके, आप चाहो तो नट्स भी डाल सकते हो, कोई भी नट्स, वॉलनट हो या तो आमंड हो, इसको भी आप डाल सकते हो, मैंने यूज नहीं किया है। मैं पूरा चॉकलेट से ही बना रही हूं इसको। ओके, ये देखिए इसके ऊपर में भी मैं अच्छे से स्प्रिंकल कर दिया है। अब मैं इसको 180 डिग्री प्रीहीटेड ओवन में बेक करूंगी। तो चलिए कैसे ओवन को प्रीहीट करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। और इसको आप गैस में भी बेक कर सकते हो, एकदम मीडियम फ्लेम में। इसको आपको कोई भी बड़ा सा पतीला ले लीजिए या तो कढ़ाई ले लीजिए, उसके बीच में एक स्टैंड रख दीजिए या तो कोई कटोरी रख दीजिए और उसके ऊपर में इसको ढक के छोड़ दीजिए 15 से 20 मिनट तक एकदम मीडियम फ्लेम में, तो भी आपका अच्छे से बेक होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ओवन को प्रीहीट करते हैं। तो देखिए ये मेरा 45 लीटर का ओटीजी है बजाज का, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो ओटीजी। तो सबसे ऊपर में जो है ये है टेम्परेचर बटन, उसके बाद ये है सिलेक्टर बटन और ये है टाइमर बटन। ठीक है, तो टेम्परेचर बटन में मैं सिलेक्ट करूंगी 180 डिग्री। 180 मतलब 200 से थोड़ा सा ऊपर में, दैट मीन्स 180 डिग्री। देखिए ये जो एरो है ना, इसमें आपको 200 से थोड़ा सा ऊपर में इसको ऐसे लगाना पड़ेगा। तो 180 डिग्री मेरा टेम्परेचर सेट हो चुका है। अब मैं सिलेक्टर बटन को सिलेक्ट करूंगी, तो जहाँ पे बेक लिखा है इधर में बेक लिखा है, तो मैं उसमें इसको ऐसे करके लगा देती हूँ। तो ये बेकिंग मोड में सेट हो चुका है। और ये टाइमर बटन है, तो अब मैं इसको 5 मिनट्स प्रीहीट करूंगी, तो इसलिए मैं इसको ऐसे करके घुमा देती हूँ। 10 से थोड़ा सा ऊपर में जो है इसको बोलते 5 मिनट्स। टाइमर बटन को ऑन करने से ही इधर में लाइट ऑन होता है, मतलब कि मशीन के अंदर में पावर आ चुका है, जिसका ओटीजी में ऐसे सिलेक्टर बटन नहीं है। तो उसको आपको क्या करना है, जरूर आपका मशीन में दो रॉड का साइन होगा, ऊपर का रॉड एंड नीचे का रॉड। तो जहां पे वो साइन है वहां पे आपको बटन को घुमा के सेट करना पड़ेगा, मतलब कि बोथ रॉड ऑन करके ही इसको आपको बेक करना है। तो 5 मिनट जब ये प्रीहीट हो जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसमें बेल साउंड आ चुका है, मतलब कि ये प्रीहीट हो गया है और इसका लाइट भी बंद हो गया है। अब मैं इसका डोर ओपन करूंगी। अब इसका मीडियल रैक में आपको बेक करना पड़ेगा, ऊपर का रॉड, ये ऊपर का रैक है, मिडिल का रैक एंड एकदम नीचे का रैक। तो आपको मिडिल का रैक में ये मोल्ड को रखना पड़ेगा इस जाली के ऊपर में। अब मैं डोर को क्लोज कर दूंगी और फिर से मैं टाइम बढ़ा के 20 मिनट्स कर दूंगी। ओके, 20 मिनट्स के बाद मैं आपको दिखाती हूँ तब ये बेक हो जाएगा। तो देखिए
20 मिनट्स के बाद बेक हो चुका है कुकी बार ब्राउनी, तो इसको मैं अभी निकाल लूंगी। ये देखिए, अब मैं इसको चेक करके आपको बताती हूँ। ये देखिए एकदम ये क्लीन है टूथपिक, तो ये हो चुका है। अब मैं इसको बाहर निकाल के लेके आऊंगी और इसको मैं ठंडा कर लूंगी। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है रूम टेम्परेचर में, ये देखिए। अब मैं इसको डिमोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। इसका नीचे का जो बटर पेपर है उसको निकाल दूंगी मैं। ओके, अब मैं इसको पीसेस में कट करूंगी। इसको मैं टोटल 9 पीसेस में कट कर लिया है। ये देखिए इसका एजेस देखिए कितना शार्पनेस में निकल के आया है, बहुत ही फजी है एंड चॉकलेटी है। तो घर में इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप गिफ्टिंग के लिए यूज कर सकते हो या तो ऑर्डर ले सकते हो। बहुत टेस्टी एंड अमेजिंग होता है इसका टेस्ट। इसका मैं फाइनल प्लेटिंग करके आपको दिखाऊंगी। देखिए एज कितना शार्प है। तो ऐसे ही बहुत सारा ब्राउनी अगर आप कमर्शियल लेवल पे सीखना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर मैंने स्क्रीन के ऊपर दे दिया है। लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आपको मिलेगा वीडियो एंड रेसिपी। तो इसका मैं फाइनल प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसका फाइनल प्लेटिंग। तो इसको घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको फ्री में बहुत सारा कुछ सीखना है, नया नया रेसिपी जानना है, सीखना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ और एक नया रेसिपी के साथ। और इस वीडियो को जितने चाहे शेयर कर दीजिए तो बहुत जन को सीखने के लिए मिल जाएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।